हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिजादास। आज मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आया हूँ। वीडियो को फुल पूरा तक देखो और अच्छा लगे तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो प्लीज। आज मैं आपको लौकी और दूध की एक न्यू रेसिपी दिखाना चाहती हूँ। मैंने दूध को पहले उबाल लिया है, उसके बाद एक लौकी लिया है। वो लौकी को अच्छे तरह से वॉश किया, उसके बाद उसका छिलका निकाला और ऐसा बारीक बारीक में छोटा छोटा पीस करके कर लिया है। और यहाँ पे लहसुन लिया है, लहसुन को घिसा हुआ है, 5 फोरन लिया है, सूखा मिर्ची 1 लिया है, इसमें कड़ी पत्ता लिया है और हरा मिर्ची 1 लिया है। यहाँ पर कढ़ाई गरम कर लिया है, उसके बाद मैं ये लौकी को इसमें डाल दूंगी और इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। पहले इसको उबालने के लिए मैं पानी थोड़ा सा पानी ऐड करने का। देखिए, मैं थोड़ा पानी लिया है उबालने के लिए। उसमें बॉईल करने के लिए मैं हल्दी नमक लिया है और उसको मैं 3 मिनट के लिए उसको ढक्कन में घुड़ा लूंगी। गैस को मैं हाई फ्लेम में रखा है। इसको ढक दूंगी 3 मिनट तक। 3 मिनट हो चुके, अभी मैं देखती हूँ मेरा बॉइल होगी नहीं है। लेकिन ये देखिए, मेरा लौकी अच्छे तरह से बॉइल हो गया। उसके बाद मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। दूध ऐड किया, एक उबाला अन्य ऐसा छोड़ देने का। और ये रेसिपी है ना, मेरा दादी माँ का एक न्यू रेसिपी है। ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते है, इसलिए हम लोग ऐसा खाते हैं। और लौकी को ज्यादा टेस्ट बढ़ा देता है। जो भी लौकी नहीं खाता है, ये खाने के लिए एक बार खाएगी ना, बोलेगी हर दिन मैं लौकी खाऊंगी, लौकी की सब्जी खाऊंगी। निकाल लूंगी। यहाँ पे और एक पैन बैठाया, अच्छे तरीके से उसको गर्म होने तक छोड़ दूंगी। कढ़ाई अब गर्म हो गया, अभी मैं ऑयल लूंगी, 2 टेबल स्पून ऑयल लूंगी। मेरी ऑयल हीट हो गया, अभी मैं उसमें 5 फोरन ऐड करूंगी। उसके बाद हरा मिर्ची सब ऐड कर दूंगी। उसके बाद लहसुन ऐड करूंगी। ये देखिए, मेरा लहसुन हो गए। अभी मैं इसमें इसको तड़का दूंगी। देखिए, अब मैं 1 टेबल स्पून शक्कर इसमें ऐड करूंगी। उसमें ना थोड़ा टेस्ट ज्यादा उठता है। देखिए, मेरा इजी और आसान तरीके से लौकी और दूध का
एक अच्छा रेसिप, न्यू रेसिप। आप भी जरूर ऐसा बनाकर खाए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने का किसे इसका टेस्ट किसा आती है। कमेंट में लिखेगी तो मैं न्यू रेसिपी ऐसे आपके पास बनाकर दिखाऊंगी। प्लीज कमेंट में लिखने का, मैं न्यू एक दिन दूसरा दिन ऐसा न्यू रेसिपी आपको दिखाऊंगी हमारा गांव का।